कांच की तरह कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे उसाई मैंने फैसला किया है कि मेरे बिजनेस का 70% कबीर का होगा और 30% दुर्गा। अरे आपने क्या किया भाई साहब? ये हमारे पुराने दोस्त के साथ जाते हैं। इन फरेबी लोगों के जंगल में फंस गए, इन लोगों की धोखेबाजी को समझ नहीं पाएंगे जब जजान और हम इन लोगों को पहचान नहीं सके तो अंकल वो तो बहुत ही अकेले हैं। कहां ले गई अम्मी भुट्टे को? इस मनुष्य को भी नहीं कर रिश्तेदार निकलना था। सही अंकल कहाँ पे? वो ऊपर किसी से बातें कर रहे हैं। तो भाई साहब ये सब बातें सुनने के बाद ना हमने तो चुप साध ली, बिल्कुल खामोश हो गए कि बेटी का मामला है, जमाने में खाम खा की बातें ना हो। तो सच्ची बात बताऊं आपको, कबीर बेचारा खुद यही चाहता था। भाई साहब आप तो जानते हैं कि कबीर को सारी दुनिया की हर वक्त फिक्र रहती है। फिर क्या हुआ? आप तो नहीं चाहते। ना भाई साहब हमने कुछ नहीं किया। देखे ना हम भी औलाद वाले हैं, हालांकि मैं लड़के की माँ थी, चाहती तो बहुत कुछ कर देती अगर ना। हमने अपनी मुँह को ताला लगा, हमने जबान ही नहीं खोली। और इस दौरान मेरी शहीद बेटे से कई बार मुलाकात हुई, बल्कि उसके घर वालों से भी होती रही। ये अंदाजा लगाया मैंने कि ये तो बहुत ही नफीस इंसान है। भाई साहब बस यही ख्याल आया कि ये लोग बेचारे मजबूर हैं, हो सकता है मजबूरी में ये सब कुछ कर रहे हों। लेकिन जिस तरह हम सोच रहे थे ना, ये फहीम भाई का भी ख्याल था, मगर समिया इस तरह से नहीं सोच रही थी। वो तो बेचारी मासूम बच्ची थी, बाप का साया उड़ जाने के बाद बेचारी बाप के गम से ही नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद उस बेचारी के भाई को जेल जाना पड़ गया और फिर फहीम भाई ने भी रिश्ते से इनकार कर दिया। इन सब बातों को मिला जुला के आप समझ लें कि उस बच्ची बेचारी ने अपने दिल पर बहुत ज़्यादा असर ले लिया। भाई साहब उस बच्ची बेचारी ने घर में कोई हंगामा किया होगा, आप यकीन करें बस ये बात होनी थी और पूरे घर वाले बच्चों समेत हम पे चढ़ दौड़े। उन्होंने क्या किया? आपको क्या बताऊं भाई साहब, शहीर ने मेरे बेटे को पिटवाया, बेइज्जत किया, जलीलो ख्वार किया सबके सामने। लेकिन आप यकीन करने हमने कुछ नहीं कहा, हर चीज सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे कि ना उनकी बच्ची की भी इज्जत पे हर्फ आएगा और हम भी जलील होंगे मुआशरे में। चुप था नहीं। अब शहीर शायद हमें कसूरवार समझ रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उस लड़के की नफरत कम नहीं हुई भाई साहब, और हम अपनी शराफत के हाथों इतने मजबूर हैं कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते भाई साहब। काश ये बातें मुझे पहले मालूम हो जाती।
आप यकीन करें भाई साहब, ये बात मैं आपको हरगिज़ नहीं बताना चाहती थी। कभी जिंदगी में अपनी जुबान पे लाना भी इनको हराम समझती थी। ये तो अचानक बात हुई तो मैंने आपसे कर दी, और अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह समिया को हमेशा हमेशा खुश रखे। भाई साहब, आप तो जानते हैं ना कि बेटियाँ तो सांझी होती है ना, लेकिन जब मैंने आज देखा ना शहीर को आपके यहाँ, तो आप यकीन करें मैं तो डर गई। साफ सी बात है, मेरा बेटा भी जवान है, और अल्लाह ना करे अगर कोई अजनबी हो गई, वो फिर से बेइज्जत हो गया, फिर से उसको मार पिटनी शुरू हो गई, तो मैं अपने बेटे को पिटता हुआ नहीं देख सकती। ना करदा जुर्म की सजा अपने बच्चे को क्यों दिलवाऊं, आप ही बताएं भाई साहब। शेर साहब आप ही? जी जी, वो साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। लगता है ये बेइज्जती करवाएगा, औरों से भी यही बात कर रहा होगा। बस सारा प्लान उसने खुद ही बना लिया। मुझे तो सिर्फ इतना कहा था कि रेडी रहो, मैं बाहर से ही लेने आ जाऊंगा। अच्छा, खुद ही उसने प्लान बनाया और तुम यूं तैयार हो गई? यूं तो क्या करती है अम्मी, थोड़ा सा तो उसका लिहाज करना था, बहुत से फायदे जो निकलवाने हैं अभी उसे। वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी अक्लमंदी की बातें करने लगी, वरना मैं तो समझ रही थी कि तुम उसे भगा ही दोगी। अरे इसके लिए तो मैंने इतनी कुर्बानी दी है, अपना फायदा हासिल किए बगैर ऐसे थोड़ी ना इसको भगाऊंगी। और उस पागल को ये लग रहा है कि अभी तक हमारा हनीमून पीरियड चल रहा है। और क्या भाई, इन्हीं सब बातों से तो तुमने उसे अपने काबू में किया है, हैं? और कबीर को भी कोई एतराज नहीं है, तुमने कबीर से भी इजाजत ले ली है, तो फिर खूब घूमो फिरो एंजॉय करो, इसमें क्या है। और सुनो, कभी कभी खुद से भी प्लान बना दिया करो, तब दिल खुश हो जाएगा। अरे अम्मी आप बस देखती जाएं मैं कैसे कैसे प्लान बनाती हूँ, ये भी सोचता रहेगा कि इसने किस लड़की से शादी की है। आहिस्ता, तुम भी ना बस ऐसी जज्बाती हो जाती हो, यहाँ के नौकर भी औलाद की तरह वफादार हैं। औलाद की वफादारियां तो मैं खत्म करवा दूंगी, इसीलिए तो ये सारी तैयारियां की हैं। बात रिश्ता खत्म होने की नहीं है अंकल, बात उन वजूहात की है जिनकी वजह से रिश्ता खत्म हुआ। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि रिश्ते नसीब से बनते हैं, लेकिन अच्छे बुरे गलत सही की पहचान, उनकी तमीज करना तो हमारा काम है ना। बेटे मैंने देखो बेटा, मैंने तुमसे जो बात की थी ना, मैंने सईद भाई से वो बात कर ली है, लेकिन बेटा तुम्हारे गुस्से की वजह भी मैं उनको बता चुकी हूँ। कहाँ की अकलमंदी है कि खाम खाम में गुस्सा दिखाना, समझदारी से भी इंसान को काम लेना चाहिए। क्यों भाई साहब, भाई साहब अब तो जो आप फैसला करेंगे ना, बस हमें तो वही मंजूर है। शहीद बेटा, निगत बहन ने मुझे सारी बात बता दी है और मैंने तुम्हारी बात भी सुन ली, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमें पुरानी बातें भुला कर नए रिश्ते जोड़ने चाहिए और उन रिश्तों पर खुशियों का राज रहे। तुम जानते हो बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। गुड़िया मेरी बहनों जैसी है, मैं किसी भी सूरत में आपका या उसका नुकसान नहीं होने, और मेरा यकीन करें कि इस रिश्ते से जुड़कर आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाएं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, तो एक बार, सिर्फ एक बार आप अब्बू से मिलें, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वहीम यहाँ आने की हालत में है। अरे अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब। भाई साहब जैसे ही निकाह हो जाएगा, मैं गुड़िया को लेकर सीधा वहीम भाई के पास जाऊंगी, उनसे मिलवा के लाऊंगी। देखिए भाई साहब, हम तो दिल के बड़े ही साफ हैं, जो बात दिल से निकाल दी, जिसको माफ कर दिया सो कर दिया, हम दिल में रखने वाले नहीं हैं। अब देखिए ना, अगर कोई ये कह दे कि सारी की सारी गलती हमारी है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना भाई साहब। कुछ गलतियां तो समिया ने भी की थी ना शहीद,
तुम यहाँ मेरे मुंह पे खड़े होके ही हमारे खिलाफ बातें करते जा रहे हो? तुम्हें समिया की कोई गलती नजर नहीं आई? अरे कोई तो वजह है ना बेटे कि समिया आज तुम्हारी भाभी है। और शहीद बेटे, जिसकी तुम तरफदारी कर रहे हो ना, शायद तुम्हें खुद को भी यकीन नहीं था इस बात का, और तुम सिर्फ हमें गुनाहगार समझ रहे हो। ये तो गलत बात है ना भाई साहब। अंकल, इन्हें इस तरह की बातें करने का फंड खोला, लेकिन इनका असल मकसद धोखा देना और फ्रॉड करना। अरे समिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने सुना कि तुम्हें बुखार हो गया था। जी ताया अबू, बुखार तो था, बस अब पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। ओह, अल्लाह खैर करे। तुम्हारे बुखार की वजह से मैं काफी परेशान हुआ, तो मुझे सुबह मिलने भी नहीं आए। क्या बाहर कहीं जा रही? जी ताया अबू, सारा प्लान वसी ने ही किया था, तो फिर मुझे अपनी तबीयत की फिक्र छोड़नी पड़ी। ओ, वसी ने प्लान बनाया? वसी और आशिकी? जी, उन्होंने सारे प्लान मुझसे पूछे बगैर ही कर लिए थे, तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा इनकार करते हुए, बस फिर हिम्मत करके तैयार हो ही गई। अच्छा क्या बेटा, यही छोटी छोटी बातें तो एक दूसरे की मोहब्बत को बढ़ाती हैं। किसी की खुशी के लिए जरा सी तकलीफ उठा लेना अच्छी बात। देखिए भाई साहब, मेरी बेटी किस तरह अपने मियां के हुक्म मानने लगी है। सिमी, जहां ये बीवी के हकूक को अच्छी तरह समझ रही है, वहां इसे इस घर की बहू होने की जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए। बहू का लिबास ससुराल और शौहर का जामिन होता है। इस लिबास में यूं बाहर जाना बहुत मायूब लगेगा। जाओ और वो दुपट्टे वाली कोई शलवार कमीज पहनकर फिर जाना चाहो। सिमी, अभी इसे बहुत कुछ समझाना बाकी है कि शादी से पहले और शादी की बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। समझदार लड़की वही होती है जो शादी के बाद अपनी जिंदगी को ढाल ले, अपने ससुराल में ढल जाए। जी भाई साहब, मैं इसे समझाती रहती हूँ और सब बताती भी रहती हूँ, आप फिक्र ना करें, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाए। कब मरेंगे ये भाई साहब, ताई साहब, मेरी जान कब छूटेगी? और अपनी इसी तरह की बातों से ये लोगों को लालच में फंसाते। बस यही, बस मैंने तुम्हारी बातें सुन ली और अच्छी तरह सुन ली, और ये एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूं कि मुखालफत में भी तहजीब की हद पार करना सही नहीं है। मैंने इन लोगों को देखा है, परखा है, मैं मान ही नहीं सकता कि लोग झूठ बोल सकते हैं या लालच कर सकते हैं। समिया के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही होगा। गुड़िया के लिए कबीर से बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता। थैंक यू भाई साहब। अगर तुम निकाह में शरीक होना चाहते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ और सच की बात यही है, ये वाकयात और हालात की बात है। जो कुछ अब तक हुआ उसमें गलतियां हर एक की थी, और जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ वो अब भी हो, और मुझे यकीन है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कबीर और गुड़िया का निकाह जरूर होगा। मैं अब जितनी देर हो गई तो बेहतर यही कि निकाह हम यहीं कर लें, क्या ख्याल? भाई साहब आप यकीन करें, आपके हुक्म के सामने तो मैं पलक भी नहीं झपक सकती, बोलना तो कहीं रह गया, जो हुक्म करें आप। चलिए चलिए भाई साहब, चलिए।
आइए भाई साहब, बिस्मिल्लाह। थैंक यू समिया, तुम मेरे कहने पे तैयार हो गई। वेल, तुम देखना, हम बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तुम मुझसे नाराज हो गई और तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा डिनर प्लान किया। मुझे नहीं पता था कि तुम वो सब कुछ देख के इतनी खफा हो जाओगी। नहीं वसीम, मैं उन चीजों की वजह से नहीं, इन सब हालात की वजह से खफा हूँ। देखो ना वसी, मेरे आसपास क्या कुछ नहीं हो रहा, मैं इन सब चीजों से बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारे जो कुछ भी चीजें हो रही हैं मैं उसे बदल दूंगा। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम बस नाराज मत हुआ करो। ये वादा भी उन पुराने वादों की तरह है या इस बार इसमें कोई हकीकत है? मैं पिछले वादों की तरह ये वादा ही पूरा करूंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। मैंने तुमसे वादा करने के बाद उस बारे में बहुत सोचा। तुम देखना, मैं उन लोगों को उनके असल मुकाम तक पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ बीवी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ, तुम्हारी बात मान रही हूँ, तुम्हें खुश रख रही हूँ। अब सिर्फ देखना ये है कि तुम्हारी बात कब पूरी होगी। तुम देखना, बहुत जल्द पूरी। फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम पे यकीन कर लेती हूँ। प्लीज समिया, तुम उदास मत हुआ करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई मैं उन सबसे बदले लूंगा। बस मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। मुझे किसी से बदला नहीं लेना वसी, मुझे सिर्फ उन बातों पर अमल करवाना है जो बातें की गई हैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। और अगर वो सब बातें पूरी ना हुई और झूठी निकली तो मैं समझूंगी हमारा रिश्ता भी झूठा है। समिया, तुम जहां जहां कहोगी हम वहां वहां चलेंगे। अच्छा अच्छा पापा, हम वर्ल्ड टूर पर चलेंगे, लेकिन प्लीज अब्बू की तबीयत ठीक होने दो। उनकी तबीयत ठीक तो हो चुकी है वसी, जब ही तो वो घर आए हैं और उनके पास अटेंडेंट मौजूद है, हम जा सकते हैं। यार मुझे पता है उनके पास अटेंडेंट है, बट बेटा होने के नाते मेरे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना कि मैं उनके पास रहूं। जब तक डॉक्टर्स मुझे अप्रूवल नहीं देते मैं नहीं जा सकता कहीं पर, और चाहे इसमें जितना मर्जी टाइम लग जाए। नहीं लगेगा टाइम, अब्बू काफी हद तक बेहतर हो चुके हैं, बस थोड़े से और बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे ना। I knew it कि तुम यही कहोगे। तुम और तुम्हारे खानदान की यही तो आदत है कि अपनी इज्जत के आगे किसी और की नहीं सुनते। लोग किस तरह अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करते हैं और एक तुम हो के। समिया, हम अपना हनीमून बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त रुक जाओ यार। वसी, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और ये जो तुम हनीमून पीरियड प्लान कर रहे हो ना, ये भी नहीं पूरा होगा। और अगर डॉक्टर्स ने कह भी दिया कि तायाबू ठीक हो गए हैं तो तुम्हें तुम्हारा भाई नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी देख ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है समिया। अंधी नहीं हूँ मैं वसी, सब नजर आता है मुझे कि शहीद किस तरह अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और वो गरीब राइमा को भी ऐश करवा रहा है, और तुम सिर्फ मुझे बातों से बहला रहे हो। मैं ये तुम्हें करके दिखाऊंगा। ये सब कुछ करने के लिए ना तुम्हारी मर्जी नहीं, पैसों की जरूरत होती है, जो शहीद तुम्हें देगा नहीं, और तुम इतने हो नहीं कि उससे जाके अपना हक मांगो। तुम इतना कुछ सोचकर बैठी हुई हो, शहीद मेरा भाई है और प्रॉपर्टी में जितना उसका हक है ना उतना मेरा भी हक है, और मैं जानता हूँ कि मुझे अपने पैसे कहाँ यूज करने, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें हनीमून पर लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। सही, तुम्हारी शादी ना किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए थी जो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को ना जानती होती।
लेकिन अफसोस मैं इस खानदान को सालों से जानती हूँ, इसलिए मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। वसी, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी और तुम्हारी बातों की क्या हैसियत है इस घर में। मना लूंगा। बेटा बेटा, तुम्हारी इज्जत में यहाँ कोई कमी तो नहीं आई, बल्कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा हुआ है। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि लोगों की सारी बातें सह जाऊं। सईद भी फोन अटेंड नहीं कर रहा, शहीद भी फोन अटेंड नहीं कर रहा, तो फिर जाओ सईद के घर जाओ, देखो क्या मसला है।